ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी साइलेंट बीमारी है जिसका पता तब चलता है जब अपना ये काम कर गया होता है। ये समझिए कि महिलाओं में महीना बंद होने के बाद और ओल्ड पीपल में सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में इस सभी आदमियों को मिलता है, और ये एक नॉर्मल हड्डी जो पेड़ा कैसा होता है उसको बतासा बना देता है, और उसके चलते इतना फ्रायबल हो जाता है कि थोड़ी से चोट में हड्डी टूट जाती है। और जनरली नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर और स्पाइन का फ्रैक्चर इतना कॉमन है कि हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के चलते लेडीज़ लोग के स्पाइन में कोलैप्स होता है और उनका हाइट भी धीरे धीरे कम हो जाता है। आप देखते होंगे कि ओल्ड महिलाएं थोड़ी साइज में छोटी हो जाती हैं और रीढ़ का हड्डी कुबर कैसा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, बशर्ते कि आप सही समय पर इसका डायग्नोसिस करके इसका इलाज कराएं। और आज के ज़माने में हम लोग के पास इतना खान पान के अलावे दवाइयाँ ऐसी हैं कि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को रोक सकते हैं, और कभी कभी इस ऑस्टियोपोरोसिस के चलते जब फ्रैक्चर होता है तो वो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसको बहुत हल्के में ना लिया जाए, और ऑस्टियोपोरोसिस का 50 साल के उम्र के बाद नियमित रूप से जांच कराना हमारी सलाह है।